हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हूं मोल शिंदे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ने वाला है कौशल लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि हमारा टेंथ यूनिट है जिसलिए होंगे यहाँ पे रिफॉर्म नहीं होना चाहिए लैंडफॉर्म होना चाहिए ओके सबसे पहले तो मैं ये जो क्वेश्चन लेता हूँ एक साइड से सो पहले पढ़ लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को और बाद में बुक में किताब में जाके देखता हूँ कि रियली ये क्या सही है क्योंकि मुझे भी श्योरिटी नहीं होती है मेरा हर एक आंसर तो सही हो नहीं सकता तो मैं पहले बुक कि उस यूनिट को पढ़ लेता हूँ बाद में आपको पढ़ाता हूँ सो so, आप बहुत सारे मैसेजेस आए मुझको कि सर ये सीरीज आप जल्दी से जल्दी खत्म कर लो कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए मुझको मेल पे ये अभिषेक गौड़ ने एक मैसेज भेजा हुआ है कि सर आप जिस लिए जिसलिए जो प्ले है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो सो so, मैं एक कन्फर्मिटी देना चाहता हूँ आपको कि एक महीना जो आने वाला है उसके अंदर मैं इस पूरे यूनिट्स को खत्म कर लूंगा साथ ही साथ में अब्दुल रहमान ने भी मैसेज भेजा है नहीं है राव ने भी मैसेज भेजा अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझको कि सर हमने आपको सुन लिया ओके okay, सो so, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोसल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द वेव्स वेव्स के बारे में क्या सही है बोलता है ओके स्पीड ऑफ द वेव्स इज़ वेरी हाई ऑन अप्रोचिंग द शालो वाटर्स जब शालो वाटर्स को रीच होने वाला होता है वेव ओके okay, तब उसकी स्पीड जो है बहुत हाई रहती है ऐसा बोल बोला जा बोला जा रहा है यहाँ पे ओके द नेक्स्ट ओरिजिनली द वेव्स आर कर्व्ड देखिए वेव्स करड होती है लेकिन जब शालो वाटर को रीच होता है तो आई थिंक उसका स्पीड जो है वो रिड्यूस होता है ओके okay. सो so ये पहला रॉन्ग हो जाएगा सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए सेकंड ओके जो कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है एक्सप्लेनेशन में आप देखिए इन ओपन ओशियन द स्पीड ऑफ द वेव्स आर वेरी आर देखिए ओपन ओशियन में जो है स्पीड वेरी हाई रहता है ओके okay. लेकिन ऑन अप्रोचिंग द शोर्स और अप्रोचिंग द शोर्स देर स्पीड इज रिड्यूस सीधा सीधा दिया हुआ है उसका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा सो so, हमारा आंसर जो है सिर्फ टू हो जाएगा जैसे कि बोल रहा है द वेव्ज आर कर्वड और रिफ्रेक्टेड अगेंस्ट द अलाइन ऑफ द कोस्ट ओके जो कर्व्ड या फिर रिफ्रैक्टेड होती है अगेंस्ट अलाइन ऑफ द कोस्ट सो दैट इज द करेक्ट आंसर हमारा सेकंड सो so, यहाँ पे डी जो है वो रॉन्ग है और सिर्फ सेकंड यहाँ पर ऑप्शन अगर दिया होता ऑनली सेकंड तो हमारा आंसर हो जाता है एके okay? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मरीन एजेंट्स ऑफ इरोजन मरीन एजेंट्स जो है इरोजन के कौन कौन से मरीन मतलब आपको पता ही है जो कि ओशन से रिलेटेड होता है ओके सो ओशन एजेंट्स ऑफ इरोजन ऐसा बोल सकते हैं सो so, कौन कौन सा इसमें से, इस से? देखिए वेव्स जो है वो तो ऑब्वियसली मरीन एजेंट्स ऑफ इरोजन है बीच मटेरियल जो है वो भी इरोड करता है ओके सो हाइड्रोलिटिक एक्शन एंड सोलवेंट एक्शन सो ऑल दीज आर द मरीन एजेंट्स ऑफ इरोजन बोल सकते हैं वेव्स बीच मटेरियल्स, हाइड्रोलिक एक्शन सॉल्वेंट एक्शन सो ऑल आर करेक्ट वन टू थ्री फोर डी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन दिया होगा थोड़ा बहुत वेव्स आर्म्ड विद रॉक डेब्रिज वेव्स जो है वो आर्म arm, आर्म्ड होते हैं मतलब फाइट खेलते हैं रॉक डेब्रिज के साथ वेवस ओके वेव्स के साथ भी दैट ट्रांसफोट द बीच मेटीरियल बीच मटीरियल के बाद में ट्रांसफर कर, करता है हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द वॉटर ब्रॉड बाय द वेवस ऑन लाइम कोस्ट सॉलोवेंट एक्शन ऑफ द सी वाटर ऑन कैल्शियम कार्बोनेट आर मरीन एजेंट्स ऑफ इरोजन ओके सो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज हाइड्रोलिटिक एक्शन जो है वो वेव्स हो गया हाइड्रोलिटिक एक्शन हो गया ओके okay? तो वेवस जो है वो बीच मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द वाटर बाय द वेवस देन नेक्स्ट वन है ऑन द लाइन कोस्ट ऑफ द सोलेंट एक्शन सोलेंट एक्शन भी हो गया यहाँ पे ओके okay? सो so इतने सारे जो है वो एजेंट्स है इरोजन के दैन बाद में चलते हैं द रेट ऑफ द मरीन इरोजन डज नॉट डिपेंड्स ऑन जो रेट है मरीन इरोजन का वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है ओके डज नॉट डिपेंड्स ऑन सो नेचर ऑफ द रॉक्स पे तो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द रॉक एक् एक्सपोज टू द सी इस पर भी डिपेंड होता है इफेक्ट ऑफ द टाइड्स एंड करंट्स इस पर भी डिपेंड होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस पे भी डिपेंड होता है मरीन इरोजन जो है किस किस के ऊपर डिपेंड होता है तो इन चारों के ऊपर डिपेंड होता है सो आंसर हो जाएगा नन हमारा क्योंकि यहाँ पे नॉट डिपेंड ऑन पूछा है सो नन आंसर हो जाएगा ओके सो डी इज द करेक्ट आंसर द रेट ऑफ मरीन इरोजन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द दबोव मेंशन फैक्टर्स ओके सभी फैक्टर्स पर डिपेंड होता है जो ऊपर कंसडर किया है हमने एंड ऑल्सो द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द कॉस्ट प्रोटेक्शन कोस्ट प्रोटक्शन पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है उसके वजह से भी ये इफेक्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द मरीन इरोजन मरीन इरोजन इरोजन को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है देखिए अर्थ मूवमेंट करता है ऑर्गेनिक अमिलेशन भी करता है मरीन इरोजन को इन्फ्लुएंस विंड नहीं करता है सो so विंड हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सो so आंसर हो जाएगा सिर्फ वन एंड टू बी इज द करेक्ट आंसर देखिए मरीन इरोजन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देखिए वेलकनसिटी से भी होता है ग्लासिएशन से भी होता है ओके मरीन इरोजन अर्थ मूवमेंट के द्वारा भी होता है और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिककोमेशन के द्वारा भी होता है चारों की चारों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी ओके द नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द कोसल इरोजन कोसल इरोजन के अगर आप ध्यान में रखता है या फिर कोसल इरोजन के रेफरेंस में हमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सो देख एक् एक्सपोज कॉस् आर इरोडेड रेगुलरली देखिए कोस्ट जो है कोई भी कोस्ट अगर होगा तो वो रेगुलरली इोड नहीं होगा थोड़ा सा जब वेव्स जो है वो आराम से टकराने लगेंगी तो उसका इरोजन कम हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि सॉफ्ट हार्ड रॉक हो ओके सो रेगुलरली तो नहीं होगा इरेगुलरली होगा इवन कोस्ट ऑफ द वन रॉक एक रॉक के भी अगर कोस्ट uh, होते हैं तो वो इरेगुलर्ली इरोड होते ये करेक्ट है क्योंकि हार्ड रॉक भी होगा तो जो है वो अनइवनली इवनली इरोड होता रहेगा ओके okay? हमेशा जरूरी नहीं है कि उतना ही इरोड होगा अगर फॉर एग्जांपल ये क्यों है ये एक क्यों है पूरी हार्ड रॉक की बनी हुई है क्यों नहीं फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके का बीच है जो कि रॉक से बना हुआ है और दूसरा बीच है रॉक से बना हुआ है सेम रॉक से सो so इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये भी उसी टाइम में इरोड हो जाएगा ये भी उसी टाइम में इरोड हो जाएगा ओके सो टाइम कैन भी डिफरेंट उसको जितना फोर्स लगेगा वो कैन भी डिफरेंट ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे बी दैट इज़ ऑनली टू इज़ द करेक्ट दैट इज़ एक रॉक भी होता है तो इरेगुलरली इरोड होता है ओके okay? तो so ये हमारा आंसर हो जाएगा इवन वेयर द कोस्ट ऑफ ऑफ द वन रॉक इज इरोडेड इरेगुलरली

वन इंटू बेस देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको जब इरोजन होता है पहले मतलब पहले शायद लेक्चर में बोला हुआ है मैंने या फिर पढ़ा हुआ होगा ओके सैंड और क्ले जो है वो एक सॉफ्ट रॉक है ओके सो सॉफ्ट रॉक जो है वो किस में इरोड होंगे वो बेस बेस बन जाएगा उनका ओके okay, बेस बन जाएंगे उनके और हार्ड रॉक का जब इरोजन होगा जैसे कि ग्रेनाइट हो गया या फिर लाइम हो गया तो उसके केब्स बन जाएंगे क्या बन जाएंगे केब्स बन जाएंगे पर्शियन गल्फ एंड बेस ऑफ बंगाल आर ऑल्सो कोसल फीचर्स ऑफ इरोजन पर्शियन गल्फ और बेज ऑफ बंगाल जो है वो कौशल फीचर है बोलता है यूरोजन के सो so, ये रॉन्ग है हम देखते हैं यह कैसे रॉन्ग है ओके सो आंसर बी हो जाएगा वन एंड टू इज ऑनली करेक्ट वन एंड टू इज ऑनली करेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर वेरी लार्ज इंडेंटेशन आर ड्यू टू कॉज ऑफ सबमर्जेंस ऑफ सबमर्जेंस और अर्थ मूवमेंट अर्थ मूवमेंट की वजह से या फिर सबमर्जेंस की वजह से होता है ओके वेरी लार्ज इंडेंटेशन बोल सकते हैं उसको सो ये इंडेंटेशन ये पर्शियन गल्फ एंड बे ऑफ बंगाल सो ये जो है सबमर्जेंस जन्स की वजह से हुआ होगा या फिर अर्थ मूवमेंट की वजह से होगा ओके सो हमारा आंसर बी बी हो जाएगा वन एंड टू थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा दैन नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द शोर प्रोफाइल विच ऑफ द फॉलोइंगज ट्रू श्योर प्रोफाइल के बारे में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें सही है यहाँ पर ओके क्लिप्स आर फॉर्मड ऑनली विन स्टिप रॉक्स पेसेज द कोस्ट क्लिप्स कब फॉर्म होते हैं जब स्टीप रॉक जो है वो कोस्ट को फेस करता है करेक्ट है ओके okay. सो so, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्लिफ्स आर स्ट्रॉन्ग परमानेंट फीचर देखिए मैंने बोला कि जैसे ये क्लिफ है फॉर एग्जाम्पल तो ये भी इरोड हो जाएगी कुछ दिनों के बाद ओके okay. सो so, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग होते हैं या फिर परमानेंट फीचर होते हैं परमानेंट फीचर तो बिल्कुल नहीं होता है सो so, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा सो आंसर विल बी ए ओनली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन द क्लिफ्स आर नॉट परमानेंट फीचर्स द रेट ऑफ रिसेशन डिपेंड्स ऑन इट्स जोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन जॉइंटिंग ऑफ द रॉक्स एंड रेजिस्टेंस वेव अटैक कितना रेजिस्ट करेंगे वो वेव अटैक पे उस डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत ओके जॉइंटिंग ऑफ द रॉक्स रॉक की किस तरीके से जॉइंटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा लेकिन फाइनली वो नॉट परमानेंट फीचर वो परमानेंट फीचर्स नहीं होते ओके जोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो लेयर्स है उसमें कि उसका जोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्स होता है सो so, लेयर्स है जोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है लेयर्स का उस पर भी डिपेंड होता है उसका रिसेशन ओके रेट ऑफ रिसेशन रिसेशन मतलब वो पतला हो जाना या फिर गल जाना ओके क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं कैंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बीचेस आर द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द सी सो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द सी मतलब मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म है बीचेस जो है वो मतलब इट्स बीचेस जो है वो एक डोमिनेंट फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द सी का ऐसा बोल रहा है द नेक्स्ट कोस्ट लाइंस आर ऑलवेज फाउंड बाय इमरजेंस कोस्ट लाइन जो है वो सिर्फ इमरजेंस फॉर्म होता है नहीं आप अगर देखोगे तो हेडिंग्स में ही दिया हुआ है तो कोस्ट लाइन आर नॉट ऑनली फाउंड बाय द इमरजेंस देल्सो फाउंड बाय द सबमरजेंस ओके सो यहां पर यह स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है सो वन इज द ऑनली आंसर एज द करेक्ट आंसर कोस्ट लाइन आर फाउंड बाई इमरजेंस एंड सबरजेंस यहाँ पर गवन है ओके विच आर द फॉलोइंग टू अबाउट द टाइप्स ऑफ कोस्ट ओके कौन सी चीज़ें हैं टाइप ऑफ कोस्ट जो है उसके बारे में सही है यहाँ पे ओके सिंकिंग ऑफ द लैंड एंड राइज ऑफ द सी आर कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस सिंकिंग ऑफ द लैंड जब लैंड जो है सिंक होती है फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट्स है ओके सो okay? so ये लैंड है लैंड अगर सिंक होती है इस ये सॉरी यहाँ पे ऐसे निकाल लेता तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है निकालने के लिए मेरे पास पेन नहीं है डिजिटल पेन अगर होगा तो मतलब कुछ दिनों के बाद आ जाएगा तो, तो हम देखेंगे ओके okay? अच्छे से सब कुछ सो so यहाँ पे जो लैंड है तो ये लैंड जो है वो सिंक हो जाएगी इसके नीचे जाएगी इस लैंड के नीचे ओके सो या फिर राइज ऑफ द सी अगर सी राइज होता है तो वो सबमर्जेंस के द्वारा होगा ओके तो उसको कॉस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस बोल सकते हैं देन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड अगर लैंड अपलिफ्ट होती है और फॉल इन द सी लेवल सो कॉस्ट लाइन जो है वो इमरजेंस के द्वारा फॉर्म हो जाएगी ओके वेरी सिंपल देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वन एंड टू बोथ आर करेक्ट दोबारा बोलता हूँ सिंकिंग ऑफ द लैंड एक तो लैंड सिंक होती है ओके okay? डूब जाती है या फिर राइज ऑफ द सी या फिर सी का राइज होता है आर कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस उसको कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस बोला जाता है देन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड जब लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है या फिर सी का फॉल होता है तो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस बोल सकते हैं उसको ओके okay. तो यहाँ पे सी इज द आंसर कोस्ट लाइंस ऑफ इमरजेंस आर लेस कॉमन देखिए कोस्ट लाइन इमरजेंस की कोस्ट लाइन जो होती है वो बहुत लेस लेस है ओके लेस कॉमन है ज़्यादातर जो होती है तो कोस्ट लाइन जो फॉर्म होती है वो सबमर्जेंस की वजह से फॉर्म होती है विच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू अबाउट द स्टोरियन कोस्ट इस्टचोरियन कोस्ट के बारे में क्या सही है बोलता है किसके बारे में इस्टोरियन कोस्ट के बारे में क्या सही है ओके दे आर माउथ ऑफ रिवर इन सबमर्ज लो लैंड देखिए फाइनली स्टोरियन जो है खाड़ी जिसको बोलेंगे हम वो तो फाइनली माउथ ही रहेगा रिवर का ओके इन सबमर्जस्ट लो लैंड सबमरजस्ट लो लैंड में वो माउथ रहेगा रिवर का सो so, ये करेक्ट है इस्टोरियन कोस्ट उसी को बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ देर इंट्रेंस इज नॉट सिल्टेड सिल्टेड मतलब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल ये आ, जो है वो इस्टोरियन है और इस का जो ये क्लोज अगर नहीं होगा क्या बोल सकते हो उसको इंट्रेंस अगर क्लोज नहीं होगा तो इस एंट्रेंस अगर क्लोज नहीं होगा तो वो एक सी पोर्ट फॉर्म कर देंगे ओके okay? वो पोर्ट की साइड बन जाएगी वहाँ पे पोर्ट्स बन सकता है वहाँ पे अगर इनक्लोज नहीं हो क्लोज नहीं होगा तो ओके दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर सी पोर्ट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है सी पोर्ट्स के लिए मोस्ट सुटेबल सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट ओके सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर एक्सप्लेनेशन देखते देख लेते हैं टाइडल इफेक्ट फर्दर इन्हांस द वैल्यू ऑफ द पोर्ट्स टाइडल इफेक्ट की वजह से इनहानस हो जाती है पोर्ट की वैल्यू एंड इवन एंड इवन वेन देर इज़ ए लिटल सिल्टिंग ओके और वहाँ पे अगर लिटल सिल्टिंग भी हो जाती है तो भी उसकी वैल्यू जो है वो इन्हांस हो जाती है मॉडर्न ड्रेजेस हेल्प टू कीप द पोर्ट्स ओपन ऑल द टाइम मॉडर्न ड्रिजेस जो होते हैं वो पोर्ट्स को ओपन रखने के लिए हर टाइम में वो मदद करते हैं ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज आई लव यू ऑल सीरीज विल बी कम्प्लीटेड विद इन वन मंथ हैव अना नाइज डे